हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बीजेन्यू पीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, आईएएस यानी कि यूपीएससी का पहला पेपर था आज, जीएस का पेपर वन। तो उसका एनालिसिस हम करते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो सोशल इश्यूज होते हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा जो है इसमें आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप इस विचार को, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि ये एक सीरियल वाइज नहीं चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए जो वर्ड्स हैं वो साथ में नहीं बनते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं रहा, मतलब जो पहले था वैसा वो लास्ट के टाइम में नहीं रहा, किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे। तो इस लाइन को सीधे पढ़ा जा सकता था यहां से तोड़ के, कि आप इस विचार को किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं रहा, जो कि ये जो चीज है वो इंग्लिश में सिंपल सीधा एकदम दिया हुआ है। तो अगला ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री का है, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री का है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी, यानी कि कंटिन्यू ये चार क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि नासा का जूनो मिशन है वो पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। तो देखिए, एक तो बात ये रही कि ये पेपर साइंस टेक का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की जाए यानी कि ज्योग्राफी को यहां पर कोट किया गया है, तो ज्योग्राफी की वजह से ये क्वेश्चन यहां पर है। लेकिन कुल मिलाकर इसका जो 90% पार्ट है वो साइंस टेक में ही चला गया है। अगला है प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव, ये आप इन्वायरमेंट ज्योग्राफी जो होता है उससे जोड़ के लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कि दलहन की कृषि लाभों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो पर्पज है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या जरूरत पड़ी कि उसको 2016 का जो वर्ष है उसको दलहन वर्ष घोषित करना पड़ा। तो उसका एक मेन कारण, जो मैंने इसकी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उन्होंने जो इसका स्लोगन रखने के बाद, यह रखने के बाद कुछ ना कुछ स्पीच दी होगी इसके ऊपर जरूर, वो स्पीच मैंने नहीं पढ़ी, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो थोड़ा फायदा हुआ होगा, वरना इसमें राम कहानी लिखना है। लेकिन एक मेन पॉइंट जो हम मान सकते हैं कि यूएन हमेशा परेशान रहता है कुपोषित के, कुपोषण जो बढ़ रहा है, मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो वर्ल्ड में हो बढ़ती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं तक सबसे ज़्यादा दूरी किया जा सकता है तो वो दलहन के उत्पादन से है। भारत दुनिया में दलहन का कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा है, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भी भारत को जो है उसको आयात करना पड़ता है। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बात अगर दलहन के लाभों की जाए तो इंडिया में भी माल न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई थी, इसी के ऊपर बनाई गई थी, वो दलहन उत्पादन को देखने के लिए, आयात निर्यात को देखने के लिए। तो दो मेजर, एक कमेटी और दूसरा यूएन की स्पीच, उसको हम कोट करके यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते थे। अगला है, हिमांक मंडल वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये जो है वो इन्वायरमेंट का ही आ गया, और उसके बाद में भारत की विविधता के संदर्भ में कहा जा सकता है। अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि प्रदेश की सांस्कृतिक इकाइयों की, यानी कि ये सोशल इश्यूज पे आ गए क्वेश्चन। और उसके बाद में यहाँ पर जो दिया है कि निर्बल वर्ग, जैसे ST SC का जो वहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन ST से जुड़ा हुआ है। दूसरा है सहिष्णुता और प्रेम की भावना, ना केवल ये थोड़ा, ये सोशल भारतीय समाज जो दिया भी है सिलेबस में, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी, यहां पर ज्योग्राफिकल इकोनॉमी से क्वेश्चन है ये, और है पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ में संबंध हो गए थे, उद्देश्यों को महत्व दीजिए। तो यहाँ पर ये जो है ये सोशल इश्यूज और जो है हमारा जो बाद तक का दिया हुआ है स्वतंत्रता के बाद का, तो वहां पर वो उसको ऐड किया गया है। अगला है महासागरीय लवणता की विभिन्नताओं के कारण, ये ज्योग्राफी का है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। और उसके बाद में पेट्रोलियम रिफाइनरी आवश्यक रूप से कच्चा तेल उत्पादक में, देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरीज के ऊपर एक क्वेश्चन एक बार आया था 2014 में, और वही चीज़ों को जो है फिर से लाके यूपीएससी ने पूछा। हालांकि क्वेश्चन उससे अलग है, लेकिन हमको देखने को जैसा मिल रहा है कि पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, पेट्रोलियम से संबंधित क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिल जाता है हर साल। अगला है, भारत में बाढ़ों को, बाढ़ एक बार फिर से पूछ लिया गया है। ये जो है बाढ़ एकदम, मतलब अगर नेचुरल डिजास्टर में देखा जाए तो बाढ़ एकदम कंपलसरी हो गया है, बाढ़ हर साल आ रहा है। मानसून एशिया में रहने वाली संस्कार की 50% अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल
किस प्रकार सफल हो सकता है इसको जो है आप इन्वायरमेंट को और चेंज होते इन्वायरमेंट को और ज्योग्राफिकल उससे जोड़ के जो है इसको माना जा सकता है कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित देखिए वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन लगातार आता ही है पहले पेपर में, सोशल इश्यूज के ऊपर उसमें दिया हुआ है, तो एक सामाजिक मुद्दा जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ पूछ लिया गया है। अगला है स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई है, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता और सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। बहुत मुश्किल चीज है ये, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आप नहीं लिख सकते, वहां पर दिक्कत हो सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की समृद्धि के रोजगार के नए मार्ग खुल गए हैं, परंतु साथ में नई समस्याएं भी पैदा हो रही है, उसके ऊपर जो है लिखना है आपको। इसमें जो है आईटी का जैसे बताया गया है कि आईटी का रोल किस प्रकार हो सकता है, ठीक है, तो जहां लाभ हो रहे हैं वहां कुछ हानियां भी होती जा रही हैं, लेकिन लाभ ज्यादा ही होंगे, हानियां उसमें कमी होंगी। तो दोस्तों ये पेपर था पेपर वन, और जो है पेपर टू जो है जीएस का वो अब शुरू हो जाएगा, उसके बाद उसका एनालिसिस जो है मैं शाम को दूंगा। थैंक यू।